विपक्षी कई पार्टियां हैं, लेकिन मेरा जो सीएम साहब के साथ प्रकरण हुआ उस मुद्दे पर सिर्फ भाई अभय सिंह चौटाला ने आवाज उठाई, सिर्फ उन्होंने ही कहा कि विधानसभा में सीएम साहब से पूछूंगा सवाल, और किसी नेता ने, विपक्ष के नेता ने नहीं कहा। बल्कि मेरी नहीं, मैं चाहती हूँ हर औरत का मान सम्मान हो, किसान, मजदूर, युवा वर्ग, हर बेरोजगार को रोजगार मिले। मैं किसान की बेटी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि किसान की फसल के उचित दाम मिले, और उनकी फसल जो आज खेतों में रुल रही है तो वो ना रुले। तो मैं चाहती हूँ कि व्यापारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बेटी हो, सबको सम्मान मिले। और मैं इनेलो के साथ इसी शर्त पर हूँ, अगर कल को ये सरकार बनने पर ये भी इसी तानाशाही पे उतर आए तो मैं इनके साथ नहीं आपके साथ खड़ी होंगी, ये नैना धोड़ का वादा है आपसे। चाहे मुझे कोई भी पद, कोई भी पार्टी में पद दे दे, कुर्सी दे दे, चाहे सीएम क्यों ना बना दे, अगर इन्होंने ये तानाशाही अपनाई जो आज की सरकार ने अपना रखी है तो मैं आपके साथ खड़ी होंगी, मैं किसी लालच में नहीं आऊंगी। आप रिकॉर्ड कर लो ये बात। तो आज से शेर के साथ शेरनी। बड़ी की सरपंच है नैना झोड़ जो मेरे साथ बैठी है, इन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करी, गांव की डिमांड रखी। इनके हस्बैंड के साथ गांव के, इन्हीं के एक ही परिवार का गांव है, किसी बात पे विवाद था, झगड़ा था, उन्होंने जहां इनके साथ झगड़ा किया वहीं उल्टा इन्हीं के खिलाफ पर्चे दर्ज कर दिए सरकार की तरफ से। सरकार में नहीं, चौधरी रणजीत सिंह जो खाने का मंत्री है आजकल, उसने पर्चे दर्ज करा दिए, पर्चे भी डाके के बना दिए कि डाका मारने के लिए आए, अपहरण करने के लिए आए। जब इन्होंने ये बात कही कि इसकी जांच होनी चाहिए तो मुख्यमंत्री को जांच का आश्वासन देना चाहिए था, ना कि मुख्यमंत्री को बदतमीजी करनी चाहिए था। इस बदतमीजी के बारे में तो मुख्यमंत्री से विधानसभा में भी पूछूंगा कि महिला के साथ कैसे बदतमीजी कर सकते हो आप, ये अधिकार आपको दिया किसने? मुख्यमंत्री बन गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी किसी भी ढंग से अपनी मनमर्जी से कुछ कह सको। दूसरा, मैं इस सारे मामले को लीगली भी एग्जाम कराऊंगा कि क्या मुख्यमंत्री किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। अगर कोई लीगली इसमें मुझे कोई पॉइंट्स मिले तो फिर हाई कोर्ट जाएंगे इसकी सुनवाई मुख्यमंत्री की बदतमीजी के खिलाफ। वहीं आज हमने इनको हमारी पार्टी के अंदर ज्वाइन कराया, आज इन्होंने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है, जहाँ विश्वास व्यक्त किया है।